गुरु सिंह, और आज हम सर से विवश के कुछ क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आईपीसी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने एक चैप्टर 20 सर से समझने के लिए आज कोशिश की है, जिसमें हम चैप्टर 20 में मिस्टर शेष कुमार सिंह सीनियर एडवोकेट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि विवाह से संबंधित अपराध के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 493 और 494 लेंगे। सर हमें ये आईपीसी के, क्योंकि आईपीसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके चैप्टर नंबर 20 से 493 और 494 हमें बता देते आप। हाँ, तो ये दोनों विवाह से संबंधित अपराध हैं जी। 493 में जब कोई व्यक्ति है ना किसी स्त्री को ये विश्वास दिलाकर कि वो वास्तव में उसके साथ उसने विवाह किया है, ये प्रपंच करके उसको फाल्स उसको उसके साथ सहवास करता है या शारीरिक संबंध बनाता है, तो 463 का अपराध आईपीसी में होता है और इसमें जो है 10 वर्ष तक की गंभीर अपराध की सजा हो सकती है, है ना। तो इसमें दो बात है, जैसे किसी स्त्री को इस धोखे में रखकर कि उससे वास्तव में उसने विवाह किया है, अच्छा, और विवाह की वजह उसको रखेल की तरह रखता है। अच्छा, मतलब शादी करने के बाद अगर शादी करता है लेकिन वास्तव में वो विधिक शादी नहीं होती है जी, है ना जी। तो वहाँ 493 जैसा गंभीर अपराध आईपीसी धारा के तहत होता है जी। और जिसमें शारीरिक संपर्क बनाता, संबंध बनाता है स्त्री के साथ जी, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप का मामला होता है जी। तो इस तरह से उसको रखेल का दर्जा कर देते हैं, उसको विवाह का दर्जा नहीं रहता है, जबकि वो वास्तव में उसको विश्वास दिला देता है कि वो उसकी पत्नी है और उससे वैवाहिक संबंध है उसका। तो ये हो गया 493, इसमें 10 वर्ष तक के गंभीर अपराध है और सजा है, 10 वर्ष की सजा है इसमें जी। इसमें प्रवंचना है जी, विवाह है लेकिन उसको वास्तव में वो उसको फर्जी प्रपंच करके उसको बताता है, वो तो खुद स्त्री समझती है कि हम भी शादी विवाह किए हैं, लेकिन पुरुष उसके साथ प्रपंच करके छल करता है, वो उसको रखेल की तरह रखता है। ऐसे केसेस में 493 में ये वैवाहिक विवाह होता है दिखाने के लिए, है ना, लेकिन वो पहले से विवाहित रहता है जो भी स्थित हो, है ना, मतलब किसी भी स्थिति में अगर इस तरीके का मामला का अगर अपराध आता है तो 493 के अंतर्गत आता है जी। 493 आईपीसी 494 में जी, एक आदमी जो बायोगैमी करता है, एक शादी आपने वैधानिक रूप से किया जी, और उस पत्नी के रहते हुए अगर दोबारा पुनः शादी करता है जी, है ना जी, बायोगैमी दूसरी शादी करके साथ स्त्री के साथ रहता है जी, तो उसको ये भी गंभीर अपराध है और 494 में 494 में जी, का वो दोषी होता है, इसमें 7 वर्ष की सजा है जी, है ना। अब इसमें डिफेंस ये है कि अगर पहली शादी आप इनवैलिड हो जाए जी, किसी न्यायालय से शून्य घोषित करा लें तभी दूसरी शादी कर सकते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि अगर 7 वर्ष तक लगातार स्त्री पुरुष साथ नहीं रहते तो भी तो दोनों को ये सुविधा मिल सकती है जी, है ना। और इसमें मुस्लिम को थोड़ा छूट है, ये मतलब हिंदुओं के लिए कतई कोई बायोगैमी के लिए कोई चांस नहीं है जी। उसमें 494 सीधे केस बनता है जी, उससे छूट मुस्लिम को मिल सकती है जिनको 4 विवाह तक शादी करने की छूट है। लेकिन स्त्री अगर उन्हीं की स्त्री अगर ऐसा करती है तो उसके साथ एक विवाह होते हुए दूसरी शादी कर लेती है तो वो भी 494 की मुलजिम हो जाएगी, उसके साथ कोई छूट नहीं है जी। तो वो तो मुस्लिम के अलग लॉ है जी, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन आईपीसी हिंदू मुसलमान सबके ऊपर बराबर लागू है आईपीसी, लेकिन डिफेंस इसमें है, डिफेंस अच्छा, आप इस आधार पर डिफेंस। अच्छा, मतलब ये लागू बराबर है आईपीसी सबके ऊपर लागू, डिफेंड करने के लिए आप मुस्लिम लॉ का सहारा ले सकते हैं, और हिंदू में या इस सिख ईसाई में जो बचत हो सकती है वो इस आधार पर कि पहला विवाह इनवैलिड हो चुका है, किसी न्यायालय से शून्य घोषित करा लिया जी, ये तब उस पे अपराध नहीं बनता है, इसका डिफेंस यही है जी, है ना जी। ये है विवाह से संबंधित अपराध जी, दो धाराओं में बताया। थैंक यू सो मच, ये थी विवाह से संबंधित अपराध आईपीसी के सेक्शन चैप्टर 20 से सेक्शन 493 एंड 494।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमें लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो भी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रहते हैं उस लॉ की, आपको इंडियन लॉ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।